हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्यापक हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अनुपात, समानुपात एवं साझेदारी पे संबंधित गणित के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड ग्रुप डी, TET, SSC, बैंक, रेलवे, NDA, CDS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि मैथ से संबंधित प्रश्न आते हैं। उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है, जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि उत्तराखंड ग्रुप डी, ग्रुप सी, UK SSS, UK PSC, सभी स्टेट्स के लिए होने वाले ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम्स, रेलवे के ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम और बैंक, NDA, CDS आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। मेरा कोचिंग सेंटर डाकपत्थर देहरादून में है और मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग भी करा रहा हूँ। अब मैं आपको मैथ के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, अनुपात, समानुपात एवं साझेदारी पे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें। और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि (a)(b)(c)(c+a)=6:7:8 तथा (a+b+c)=14 हो तो सी का मान है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे क्वेश्चन छोड़ के पेपर में इन्हें सॉल्व नहीं करते हैं, तो अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये जो अनुपात, समानुपात एवं साझेदारी से संबंधित प्रश्न होते हैं इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी आपकी हेल्प हो जाएगी। और इससे पहले मैंने इसको क्वेश्चन के बारे में इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये अनुपात, समानुपात एवं साझेदारी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका पहले का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा तो आपके जो सभी कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि (a+b)(b+c)(c+a)=6:7:8 तथा (a+b+c)=14 हो तो सी का मान है, सी का मान बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है (a+b)(b+c)(c+a)=6:7:8 तो इसका सॉल्यूशन है ये (a+b)(b+c)(c+a)=6:7:8 तो हम (a+b)बराबर ये जो अनुपात है इनको k में मान लेते हैं। माना (a+b)=6k, ये अपनी नोटबुक में जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने मान लिया (a+b)=6k क्योंकि (a+b)(b+c)(c+a)=6:7:8 तो (a+b)(6k), (b+c)(7k), (c+a)(8k। अब इन सबको जब प्लस करेंगे, (a+b)(b+c)(c+a) तो इनकी जो वैल्यू हो जाएगी (a)(b)(c) तो 2a+2b+2c=6k+7k+8k। तो 2 कॉमन है तो लिख दिया ब्रैकेट में 2(a+b+c)(6k+7k+8k) इम्प्लाइज दैट (a+b+c)(6, 7 और 8) हो गया 21k, और नीचे जो 2 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा 21k/2, इम्प्लाइज दैट (a+b+c)=(6, 7 और 8) हो जाएगा (a+b+c) का जो वैल्यू दे रखी है ये 14 दे रखी है, तो (a+b+c)=14 लिख दिया 14, इम्प्लाइड डेट 14(21k/2) तो k की वैल्यू हो जाएगी 21k/14 × 28, तो k = 28/21, 7 से दोनों को काट देंगे 7 × 28, 7 × 21 तो आ गया k की वैल्यू 4/3। तो अब हमें c का मान निकालना है, देखो c का मान निकालने के लिए जो (a+b+c) का मान है इसमें से (a+b) का मान घटा देंगे, c = (a+b+c)-(a+b)(a+b+c) की जो वैल्यू है (a+b+c) बराबर आया है हमारा 21k/2, (a+b+c) बराबर आया है 21k/2 और जो (a+b) है ये है
छः के, तो 21 के बटा दो माइनस 6 के, के की वैल्यू आ गई है 4/3, 21 माइनस यहाँ पे 2 को एलसीएम ले लिया तो 21 माइनस 12/2 और के को बाहर लिख दिया, 21 में से 12 गए 9/2 गुणा गए के की वैल्यू लिख दी 4/3, तो ये इसका 3 से 9 को काट दिया, 2 से 4 को, तो ये 6 उत्तर आ गया, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में दिया है यदि ब्रैकेट ए प्लस बी अनुपात ब्रैकेट बी प्लस सी अनुपात ब्रैकेट सी प्लस ए बराबर 6:7:8 है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है तो सी का मान निकालना है, तो पहले यहाँ पे जो दे रखा है उसको लिख दिया ब्रैकेट ए प्लस बी अनुपात ब्रैकेट बी प्लस सी अनुपात ब्रैकेट सी प्लस ए बराबर 6:7:8। अब हमने मान लिया ए प्लस बी बराबर है 6 के, बी प्लस सी बराबर है 7 के तथा सी प्लस ए बराबर है 8 के, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन दो, इन सब में 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो 2a+2b+2c बराबर हो गया 6k+7k+8k, तो 2 को कॉमन ले लिया, 2 ब्रैकेट a+b+c बराबर हो गया 6k+7k+8k, तो a+b+c बराबर हो गया 21 के, और 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में आ गया 21k/2k, 21k/2, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14 बराबर हो गया 21k/2, के बराबर हो गया 14 × 28/21, 7 × 28, 7 × 21, 4/3, अतः सी बराबर हो गया ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 21k/2 माइनस ए प्लस बी की जो वैल्यू है ये है 6k। अब यहाँ पे 2 को एलसीएम ले लिया, 21 − 12/2 के बराबर 9/2 गुणा के 4/3 बराबर 6 उसका उत्तर आ गया। तो ये क्वेश्चन आप नोटबुक में सॉल्व जरूर कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ए ने 30,000 लगाकर एक दुकान प्रारंभ की, ए ने जो पूंजी लगाई है 30,000 रुपये लगाई है और उसके द्वारा एक दुकान प्रारंभ की है, 2 माह बाद 45,000 लगाकर बी इस दुकान में साझेदार हो गया, वर्ष के अंत में 54,000 के लाभ में से बी का भाग है, तो ए ने जो 30,000 पूंजी लगाई है पूरे 1 साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए लगाई और 2 माह बाद 45,000 लगाकर बी इस दुकान में शामिल हो गया, बी ने 45,000 जो पूंजी लगाई है ये 2 माह बाद यानी कि 12 में 2 हो गए 10 माह के लिए लगाई है और जो वर्ष के अंत में 54,000 का लाभ हो रहा है ए और बी को, तो इसमें बताना है बी का भाग कितना है, इसका जो उत्तर होगा ए तथा बी द्वारा लगाई गई राशि का अनुपात। पहले इसमें जो ए और बी ने जो राशि लगाई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, ए और बी ने जो राशि लगाई है उसका अनुपात निकाल लेंगे, ए ने लगाई है 30,000 पूंजी 12 महीने के लिए, तो 30,000 गुणा के 12 अनुपात, बी ने लगाई है 45,000 पूंजी 10 महीने के लिए अनुपात 45,000 गुणा के 10 बराबर 36,000, 30,000 × 12 हो गया 12 × 36 और 4 जीरो लगा देंगे 36 के बाद 4 जीरो 360,000 अनुपात और 45,000 गुणा के 10 हो गया 450,000। अब 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे 36:45 दोनों को 9 से काट देंगे 9 × 36 9 × 5 = 45 तो अनुपात आ गया 4:5। तो ए और बी द्वारा जो लगाई गई राशि का अनुपात था ये आ गया 4:5, इनका अनुपातिक योग निकाल लिया, अनुपातिक योग हो गया 4+5=9, कुल लाभ है 54,000, तो बी का जो भाग होगा इसमें बी का भाग निकाल लेंगे, बी ने बी का जो यहाँ पे अनुपात है बी का अनुपात 5 है तो 54,000 गुणा गए 5/ जो अनुपातिक योग है 9, 54,000 गुणा गए 5/9 जो बी का अनुपात 5 है और जो अनुपातिक योग है उससे भाग करते हैं तो 54,000 गुणा गए 5/9 उत्तर आ जाएगा 9 से 54 9 × 5 = 45 9 × 54 6 बार 54 कट जाएगा 6005 6005 = 30,000 उत्तर आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए ने 30,000 लगाकर एक दुकान प्रारंभ की, ए ने 30,000 रुपये लगाए हैं, 2 माह बाद 45,000 लगाकर बी दुकान में साझेदार हो गया, वर्ष के अंत में 54,000 के लाभ में से बी का भाग है, तो ए ने जो पूंजी लगाई है 30,000 लगाई है एक पूरे 1 साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए और बी ने जो पूंजी लगाई है ये 45,000 रुपये लगाई है और 2 माह बाद लगाई है यानी कि 10 महीने के लिए, तो ए तथा बी द्वारा लगाई गई राशि का अनुपात हो गया
30,000 × 12 = 45,000 × 10 बराबर आ गया 360,000 × 450,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 36:45 यानी कि हो गया 4:5। इनका अनुपातिक योग हो गया 4 + 5 = 9। कुल लाभ है 54,000, तो बी का भाग हो जाएगा, बी का जो अनुपात था 5 था, 5 × 54,000 बटा जो अनुपातिक योग होता है उससे भाग दे देते हैं 9, तो उत्तर आ गया 30,000। तो जो बी को लाभ हुआ 30,000, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल तथा सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। यदि चरागाह का किराया ₹175 है तो सी को अपने भाग का कितना किराया देना होगा। यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ए बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, ए कॉमा बी तथा सी का अनुपात हो जाएगा, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है तो 7 × 10 अनुपात, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चलाता है तो 5 × 12 अनुपात, सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चलाता है 3 × 15। तो ए बी तथा सी का अनुपात हो गया 7 × 10 = 5 × 12 = 3 × 15। 7 × 10 = 70 = 12 × 60 = 15 × 45। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो अनुपात आ गया 14:12:9। सॉल्व करने के लिए तीनों को जो भी कॉमन डिजिट है जिससे कि तीनों डिवाइड हो सकते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे आ गया 14:12:9। अब इनका अनुपातिक योग निकाल लेंगे, 14 + 12 + 9 = 35। तो यहां पे दे रखा है चारगाह का किराया 175 है तो सी को अपने भाग का कितना किराया देना होगा, सी का जो अनुपात आया है ये 9 आया है तो 175 × 9 और जो इनका अनुपातिक योग है उससे भाग दे देंगे, 175 × 9/35 बराबर उत्तर आ जाएगा 45। इसको नोटबुक में सॉल्व जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ए बी सी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल तथा सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। यदि चरागाह का किराया ₹175 है तो सी को अपने भाग का कितना किराया देना होगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ए बी तथा सी का अनुपात, जो ए बी और सी का अनुपात है ये है 7 महीने तक ए ने चलाए 10 बैल तो ब्रैकेट 7 × 10 = 5 महीने तक बी ने चलाए हैं 5 बैल, ब्रैकेट 5 × 12 अनुपात 3 महीने तक सी ने चलाए हैं 15 बैल तो अनुपात 3 × 15 बराबर 7 × 10 = 70 / 12 × 60 = 15 × 45 बराबर आ गया। तीनों को जब इसको सॉल्व करेंगे 70, 60 और 45 को तीनों को 5 से काट देंगे तो 5 से जब तीनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14:12:9। अनुपातिक योग आ गया 14 + 12 + 9 = 35। तो सी का जो भाग होगा ये हो जाएगा 175, यहाँ पे टोटल किराया था तो 175 × 9/35 अनुपातिक योग से भाग करना होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से काट देंगे 175 और 35 को तो जब सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट सॉल्व भी नहीं करते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 378 सिक्के ₹1, ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। हमारे पास 378 सिक्के हैं जो कि ₹1, ₹50 तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इसके मान 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। यहाँ पे दे रखा है 378 टोटल सिक्के हैं और वो ₹1, ₹50 तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। हल इसका निकालेंगे, ₹1, ₹50 तथा 25 पैसे के सिक्कों के मान का अनुपात, ₹1, ₹50 तथा 25 पैसे के सिक्कों के मान का अनुपात है 13:11:7। माना ₹1 के सिक्कों का मान
हमने मान लिया रुपए एक के सिक्कों का मान है 13x, 50 पैसे के सिक्कों का मान है 11x और 25 पैसों के सिक्कों का मान है 7x। अतः रुपए एक के सिक्कों की संख्या ये हो गई 13x गुणा गए 1 बराबर 13x। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, एक रुपए में 50 पैसे के दो सिक्के आते हैं, 50-50 पैसे के दो सिक्के मिलके एक रुपए बनाते हैं, तो 11x में 200 गुणा कर देंगे, 11x गुणा गए 2 22x। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, एक रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की सिक्के 4 होते हैं, तो 7x में 4 से गुणा कर देंगे 728x। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन 378 सिक्के एक रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात में तथा इनके मान 13:11:7 है। तो प्रश्नानुसार 13x प्लस 22x प्लस 28x तो टोटल जो रुपए हैं ये 378 है, बराबर 378 टोटल सिक्के 378 है, तो बराबर लिख दिया 378। इन तीनों को प्लस किया तो आ गया 63x बराबर 378, एक्स बराबर आ गया 378/63। दोनों को 9 से काट देंगे 378/63, तो 9 से काट के दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स बराबर आ गया 6। तो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या हो जाएगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या थी 22x, यानी कि 22 गुणा का 6 132। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यदि 378 सिक्के टोटल सिक्के हैं 378 और वो एक रुपए एक 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जो 378 सिक्के हैं ये रुपए एक 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। इसका जो सॉल्यूशन निकाला है, रुपए एक 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मान का अनुपात, जो रुपए एक 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मान का अनुपात है ये 13:11:7 है। माना रुपए एक के सिक्कों का मान, जो एक रुपए के सिक्कों का मान है उसको हमने मान लिया 13x है, 50 पैसे के सिक्कों का मान है 11x और 25 पैसे के सिक्कों का मान है 7x, ये हमने मान लिया। तो क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 378 सिक्के रुपए एक 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात में है, तो एक रुपए के सिक्कों का मान मान लिया 13x है, 50 पैसे के सिक्कों का मान 11x है और 25 पैसे के सिक्कों का मान 7x है। अतः रुपए एक के सिक्कों की संख्या हो गई 13x, एक रुपए में 50 पैसे के दो सिक्के होते हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई 11×22x और 25 पैसे के एक रुपए में 25 पैसे के चार सिक्के होते हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई 728x। तो प्रश्नानुसार 13x प्लस 22x प्लस 28x बराबर है 378, इनको प्लस किया तो हो गया 63x बराबर 378, x बराबर हो गया 378/63 6। अतः 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 22 गुणा गए 6 बराबर 132। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। एक जो नियोक्ता है, जो जॉब देते हैं लोगों को, वो नियोक्ता होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, तो एक नियोक्ता जो है वो अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। तो नियोक्ता जो क्या कर रहा है कि अपने जो कर्मचारियों की संख्या है वो 9:8 के अनुपात में घटा रहा है और जो वेतन है ये 14:15 के अनुपात में बढ़ा रहा है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ है? तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। एक जो नियोक्ता है, जो कोई भी एक नियोक्ता है, कोई कंपनी वगैरह जो नियोक्ता होती है, वो अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटा रहा है। कर्मचारियों की जो संख्या है ये 9:8 के अनुपात में कम कर रहा है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा रहा है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ है? तो यहाँ पे हम मान लेंगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए, माना कर्मचारियों की संख्या 9x और 8x कर्मचारियों की संख्या मान ली 9x और 8x और उनके वेतन क्रमशः 14y और 15y है। प्रश्नानुसार जो नियोक्ता है वो अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटा रहे हैं, तो प्रश्नानुसार हो गया 9x गुणा गए 14y बराबर 18,900, xy बराबर आ गया 18,900 बटा
14 गुणा का 9, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई बराबर 150, और जो बाद में वेतन बिल है ये हो जाएगा 8x गुणा गए 15y, पहले जो वेतन बिल था ये हो जाएगा 9x गुणा गए 14y, और बाद में जो वेतन बिल है ये हो जाएगा 8x गुणा गए 15y, एक्स वाई 15 × 8 = 120 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 150 बराबर हो गया 18,000। इसलिए अभिष्ट अनुपात, जो अभिष्ट अनुपात है ये हो जाएगा 18,900 अनुपात 18,000 बराबर 30 से 30 कट जाएंगे, और 3 से दोनों को जब इन दोनों को जब डिवाइड कर लेंगे 189/20 से 20 कटेंगे तो हो जाएगा 189/180, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21:20, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ है? माना कर्मचारियों की संख्या 9x और 8x है और उनके जो वेतन है ये 14y और 15y है। प्रश्नानुसार 9x गुणा के 14y बराबर है 18,900, तो xy बराबर हो गया 150 और बाद में जो वेतन बिल है ये हो जाएगा 8x गुणा के 15y बराबर 8 गुणा के 15 120 गुणा के 150 बराबर 18,000। तो अभिष्ट अनुपात जो हो जाएगा ये हो जाएगा 18,900 अनुपात 18,000, तो आ जाएगा 21:20। यहाँ पे मैंने आपको गणित के संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो कैंडिडेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।